हे दोस्तों, बर्ड्स एव्स क्लास के वो मेंबर होते हैं जिन्हें पंख होते हैं, चोंच होती है और दांत नहीं होते। वैसे तो बहुत से बर्ड्स हैं लेकिन हम सब बर्ड्स के नाम नहीं जानते, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी बर्ड्स के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में जान जाएंगे। वीडियो आगे देखने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। सो लेट्स बिगिन। बर्ड्स को हिंदी में पक्षी या पंछी कहते हैं और जो सबसे पहला बर्ड है वो है ये। इसे हिंदी में मुर्गा कहते हैं और इंग्लिश में कॉक कहते हैं। इसे हिंदी में पेरू कहते हैं और इंग्लिश में टर्की कहते हैं। इसे हिंदी में कौवा कहते हैं और इंग्लिश में क्रो कहते हैं। इसे हिंदी में बतख कहते हैं और इंग्लिश में डक कहते हैं। इसे हिंदी में गरुड़ कहते हैं और इंग्लिश में ईगल कहते हैं। इसे हिंदी में हंस कहते हैं और इंग्लिश में स्वैन कहते हैं। इसे हिंदी में उल्लू कहते हैं और इंग्लिश में आउल कहते हैं। इसे हिंदी में चील कहते हैं और इंग्लिश में काइट कहते हैं। इसे हिंदी में तोता कहते हैं और इंग्लिश में पैरट कहते हैं। इसे हिंदी में कबूतर कहते हैं और इंग्लिश में पिजन कहते हैं। इसे हिंदी में मोर कहते हैं और इंग्लिश में पिकॉक कहते हैं। इसे हिंदी में रामचिरैया कहते हैं और इंग्लिश में किंगफिशर कहते हैं। इसे हिंदी में मोरनी कहते हैं और इंग्लिश में पीहन कहते हैं। इसे हिंदी में गोरैया चिड़िया कहते हैं और इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं। इसे हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं और इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं। इसे हिंदी में पेंगुइन कहते हैं और इंग्लिश में भी पेंगुइन ही कहते हैं। इसे हिंदी में बटेर कहते हैं और इंग्लिश में क्वेल कहते हैं। इसे हिंदी में मैना कहते हैं और इंग्लिश में स्टारलिंग कहते हैं। इसे हिंदी में कोयल कहते हैं और इंग्लिश में कुकू कहते हैं। इसे हिंदी में बगुला कहते हैं और इंग्लिश में स्टॉर्क या हेरॉन कहते हैं। इसे हिंदी में तितर कहते हैं और इंग्लिश में पार्ट्रिज कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है प्रीमेंट सर्विसेज ने। प्रीमेंट सर्विसेज एक बेस्ट इन क्लास होम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो प्लंबिंग, हाउस पेंटिंग, रिनोवेशन, कारपेंट्री, सोसाइटी मेंटेनेंस या फॉल्स सीलिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप उनकी वेबसाइट www.prement.com पे जाके सर्विसेज बुक कर सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। इसे हिंदी में राजहंस कहते हैं और इंग्लिश में फ्लेमिंगो कहते हैं। इसे हिंदी में गिद्ध कहते हैं और इंग्लिश में वल्चर कहते हैं। इसे हिंदी में पाख्ता कहते हैं और इंग्लिश में डव कहते हैं। इसे हिंदी में बाज कहते हैं और इंग्लिश में हॉक कहते हैं। इसे हिंदी में चिड़िया कहते हैं और इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं। इसे हिंदी में सारस कहते हैं और इंग्लिश में क्रेन कहते हैं। इसे हिंदी में मुर्गी कहते हैं और इंग्लिश में हैन कहते हैं। इसे हिंदी में बुलबुल कहते हैं और इंग्लिश में नाइटिंगल कहते हैं। इसे हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं और इंग्लिश में वुडपैकर कहते हैं। इसे हिंदी में चमगादड़ कहते हैं और इंग्लिश में बैट कहते हैं। इसे हिंदी में टिटहरी कहते हैं और इंग्लिश में सैंड पाइपर कहते हैं। इसे हिंदी में चकवा कहते हैं और इंग्लिश में स्काईलार्क कहते हैं। इसे हिंदी में नीलकंठ कहते हैं और इंग्लिश में रोलर बर्ड कहते हैं। इसे हिंदी में पिलक कहते हैं और इंग्लिश में गोल्डन ओरियल कहते हैं। इसे हिंदी में अबाबिल कहते हैं और इंग्लिश में स्वेलो कहते हैं। इसे हिंदी में खंजन कहते हैं और इंग्लिश में वॉकटेल कहते हैं। इसे हिंदी में तांबत कहते हैं और इंग्लिश में कॉपरस्मिथ बारबेट कहते हैं।
इसे हिंदी में बया पक्षी कहते हैं और इंग्लिश में वीवर बर्ड कहते हैं। इसे हिंदी में कलचूरी कहते हैं और इंग्लिश में रॉबिन कहते हैं। इसे हिंदी में काकातुआ कहते हैं और इंग्लिश में कोकेटू कहते हैं। इसे हिंदी में पपीहा कहते हैं और इंग्लिश में कॉमन हॉक कुकू कहते हैं। इसे हिंदी में हुदहुद कहते हैं और इंग्लिश में हुप्पी कहते हैं। और जो लास्ट बर्ड है वो है ये, इसे हिंदी में गुंजन पक्षी कहते हैं और इंग्लिश में हमिंग बर्ड कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 45 बर्ड्स के नाम हिंदी और इंग्लिश में बताए हैं और उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल संजय मीणा को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के बाकी वीडियोज देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।